जब से चीन ने गलवान घाटी में तनाव को बढ़ाया है, तभी से भारत के मोर्चा संभालते ही कई देश भारत की सहायता हेतु आगे आए हैं। अब फ्रांस ने भी संकेत दे दिए हैं कि स्थिति कैसी भी हो, वह भारत का न केवल समर्थन करेगा अपितु भारत को हर संभव सहायता भी पहुंचाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह को पत्र लिखते हुए गलवान घाटी के हमले में वीर गति को प्राप्त हुए 20 भारतीय सैनिकों के प्रति सांत्वना जताते हुए लिखा, ये सैनिकों, उनके परिवारों और देश के लिए बहुत बड़ा आघात है। ऐसे संकट की घड़ी में मैं अपने देश की ओर से और पूरी फ्रांस सेना की ओर से इन सैनिकों के परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट करती हूँ। इसके अलावा फ्लोरेंस पार्ले ने भारत आने की भी इच्छा जताई है और ये भी भरोसा दिलाया कि फ्रांस आवश्यकता पड़ने पर भारत को हर संभव सहायता भी दे सकता है। गौरतलब है कि गलवान घाटी में भारत चीन की झड़प के बाद से ही फ्रांस भारत को हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है। भारत की मांग पर फ्रांस ने समय से पहले राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप भेजने को भी अपनी स्वीकृति दी है। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो फाइटर जेट्स के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एयर टू एयर एवं एयर टू ग्राउंड मिसाइल समय से पहले भेजने की तैयारी भी हो चुकी है। परंतु फ्रांस इतने पर नहीं रुका। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस राफेल जेट समय से पहले भेजेगा, जिससे उन्हें युद्ध में उतारने में आसानी होगी, क्योंकि मीटियर और स्कैल्प जैसे अत्याधुनिक मिसाइल्स जो आमतौर पर फ्रांस की वायुसेना के लिए आरक्षित थे, अब राफेल जेट्स के साथ भारत भेजे जा सकते हैं। ये काम पहले फाइटर जेट्स की पहली खेप डिलीवर होने के कई महीनों बाद होना था। सच कहें तो चीन द्वारा LAC पर तनाव बढ़ाने के साथ ही उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि नई दिल्ली के समर्थन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली देश सामने आए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इसराइल हो या फिर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। रूस ने भारत को $1 बिलियन के मूल्य का गोला बारूद, एंटी टैंक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम एवं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को तत्काल प्रभाव से भारत भेजने पर अपनी स्वीकृति जताई है। इसके लिए उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। इसके अलावा अमेरिका ने भी इंटेलिजेंस में सहायता से लेकर ऊंचे इलाकों में युद्ध के लिए अहम प्रिसिशन आर्टिलरी राउंड को तत्काल प्रभाव से भारत भेजने पर भी अपनी सहमति जताई है। अब जब रूस, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों ने भारत की सहायता करने का वादा किया है, तो फ्रांस ने भी अभी स्पष्ट कर दिया है कि इस युद्ध में वह किसका साथ दे रहा है। ऐसे में अब भारत न केवल चीन से दो कदम आगे चल रहा है, बल्कि यदि चीन नहीं सुधरा तो उसके एक गलत कदम से उसका पूरा प्रभुत्व मिट्टी में मिलना तय है।